इस प्रकारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अत्यारे हाल विधानसभा खाते पहुंचा है ज्यां तमाम धारासभ्यो पण त्यां हाजर जोवा मळी रह्या छे। एक बाद एक धारासभ्यो विधानसभा खाते पहुंची रह्या छे। राष्ट्रपति आज विधानसभा में धारासभ्यो ने संबोधन करशे। राष्ट्रपति गुजरात की मुलाकाते छे। इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति द्वारा गुजरात विधानसभा सभ्यो ने संबोधित करवामां आवशे। आजादी अमृत महोत्सव की उजवणी भागरूपे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद धारासभ्यो ने संबोधित करशे। बे दिवस जारे गुजरात प्रवासे छे, गुजरात की मुलाकाते छे, त्यारे विधानसभा में धारासभ्यो ने संबोधित करशे, त्यारे मोटी संख्या में त्यां धारासभ्यो पण हाजर जोवा मळी रह्या छे। एक बाद एक धारासभ्यो पण विधानसभा खाते पहुंची रह्या छे। तमाम धारासभ्यो ने आ संबोधन दरमियान उपस्थित रहेवा माटे कहेवामां आव्युं छे। त्यारे हाल तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विधानसभा खाते पहुंच्या छे। तमाम व्यवस्था बंदोबस्त पण करी देवामां आव्यो छे ने विधानसभा में एक कलाकनो समय पण वधारवामां आव्यो छे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अमदावाद एरपोर्ट खाते थी सीधा ज तेओ विधानसभा खाते पहुंच्या छे ने आजे तेओ विधानसभा में धारासभ्यो ने संबोधित करशे। तो गृहना कामकाजना समय में पण एक कलाकना समय नो वधारो करवामां आव्यो छे। राष्ट्रपति संबोधन दरमियान राज्यपाल आचार्य देवव्रत पण उपस्थित रहेवाना छे। राष्ट्रपति जारे बे दिवस गुजरात प्रवासे छे, त्यारे तेओ आजे अमदावाद एरपोर्ट खाते थी सीधा ज विधानसभा खाते पहुंचा छे। विधानसभा में तमाम लोकोनी हाजरी जोवा मळी रही छे के ज्यां धारासभ्यो ने आजे राष्ट्रपति द्वारा संबोधित करवामां आवशे। भारत की आजादी 75 वर्ष पूरा थया छे ने ते निमित्ते देशभर में महोत्सव की उजवणी थई रही छे। गुजरात विधानसभा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय राष्ट्रपति श्री इस सदन में पधारे हैं। अनुरोध करते हैं गुजरात विधानसभा के माननीय अध्यक्ष महोदया डॉक्टर श्रीमती रीमाबेन आचार्य को इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन हेतु। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी, गुजरात राज्य के राज्यपाल आदरणीय श्री आचार्य देवव्रत जी का मैं स्वागत करती हूँ। गुजरात राज्य के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई, प्रतिपक्ष नेता आदरणीय श्री सुखराम भाई, विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठा भाई, हमारे संसदीय मंत्री श्री राजेंद्र भाई और विधानसभा के एवं सभी सदस्यगण और पूरे हमारे मंत्रीगण और विशेष तौर से हमारे यहाँ 13 महिला सदस्य भी हैं और बहुत लोकप्रियता प्राप्त करके निडरता से हार्डवर्क के सब लोग बहुत अच्छे से अपने अपने विस्तार में काम करते हैं। ऐसे सभी हमारे विधानसभा के माननीय सदस्यगण और प्रशासन के सभी अधिकारीगण और पत्रकार मित्रों और सब आए हुए महानुभावों सबकी ओर से सर मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ, आपका अभिवादन करती हूँ। और आज इस अवसर पे जिस तरह से अहिंसा के पुजारी और सत्य के साधक राष्ट्रपिता श्री महात्मा गांधी जी, अखंड भारत के निर्माता व लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और मुख्य सेवक पूज्य श्री रविशंकर जी महाराज की इस पावन भूमि पे आपको मैं वंदन करती हूँ। हमारे लिए यह अत्यंत गौरव की क्षण है जब गुजरात विधानसभा के इतिहास में पहली बार देश के राष्ट्रपति इस संबोधित करने वाले है। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जब देश में जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे तब गुजरात विधानसभा के आमंत्रण पर हमारे सदन पे रहने पर, उपस्थित रहने पर और हमें मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हूँ, उनको वंदन करती हूँ। हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भारत देश के कई क्षेत्र में काम किया है। उन्होंने एक समाज सेवी के माध्यम से, खुद वकील भी है, राज्यसभा के सांसद भी 12 साल तक रहे हैं और कमजोर, दलित, पीड़ित, शोषित, आदि जाति, अनुसूचित जाति सब के लिए उन्होंने बहुत कार्य हर एक क्षेत्र में किया है।